हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के ब्रिज कोर्स की यूनिट 5 फैमिली की एक्टिविटी 5। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही हमारे चैनल पर मैथ्स और हिंदी के ब्रिज कोर्स के भी सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों, जो कि आप देख सकते हो। तो चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं एक्टिविटी 5। मैच द वर्ड फॉर इमोशंस विद द करेक्ट पिक्चर्स। इमोशन के जो वर्ड हैं कौन कौन से देखो बच्चों, हैप्पी, सैड, एंग्री, स्कैर्ड, सरप्राइज्ड, है ना। तो इमोशन के जो वर्ड हैं इनको हमें इन करेक्ट पिक्चर से जोड़ना है। देखो ये पिक्चर कैसी दिख रही है, जैसे ये डरा हुआ है ना, डर गया हो किसी चीज से अचानक। ये हैप्पी है, ये कैसा है, सैड है, ये कैसा है, आश्चर्य हो रहा है जैसे इसको एकदम से ओ करके, और ये कैसा है, ये गुस्से में दिखाई दे रहा है ना। तो हम जोड़ देंगे फटाफट। देखो हैप्पी है, हैप्पी को किससे जोड़ देंगे, इससे, ये हो गया हैप्पी। उसके बाद सेकंड है सेट। सेट कौन दिख रहा है देखो बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये सेट हो गया। अब है एंग्री। एंग्री कौन दिख रहा बच्चों, ये है ना, ये हो गया एंग्री। स्कैर्ड, डरा हुआ कौन दिख रहा, ये, ठीक है। और सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड ये वाला है ना, ये सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने इस तरह से इनको जोड़ दिया है। अब हम अगले एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी है एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। हमें नीचे जो स्टोरी दे रखी है, कहानी दे रखी है, उसे पढ़ना है। ए जेकल, देखो JACKL, जेकल मीन्स होता है बच्चों सीआर, क्या होता है, सीआर। ए जेकल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक सीआर की फैमिली, उसका परिवार फॉरेस्ट में, जंगल में रहता था। वन डे लायन केम नियर देयर डेन। एक दिन एक लायन मतलब शेर केम नियर देयर डेन, उनके गुफा के पास आ गया। तो फादर जेकल सा, फादर जेकल ने देखा, उसके जो सियार जो पिता थे उन्होंने देखा, द लायन, लायन को देखा। ही सैड इन ए लाउड वॉइस, वे एक जोर की आवाज में बोले, व्हाई आर अवर चिल्ड्रन क्राइंग, है ना, क्या बोले, कौन बोला बच्चों, फादर जो सियार था है ना, वो जोर की आवाज में बोला, किसको देखकर बोला था, लायन को देखकर, क्या बोला, व्हाई आर अवर चिल्ड्रन क्राइंग, हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। द मदर जेकल रिप्लाइड, जो मदर जेकल थी वो, उसने जवाब दिया, ओ डियर अवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अ लायन। तो उनकी जो मदर जेकल थी वो क्या बोल रही कि हमारे जो बच्चे हैं वह एक लायन को, शेर को खाना चाहते हैं। द लायन हियर्ड दिस, लायन ने सुना, ही गॉट स्कैर्ड एंड रन अवे, वह डर गया और भाग गया। तो देखो कितने आसानी से उन्होंने लायन को भगा दिया है ना। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड आर ए सेंटेंस इच। या तो आपको एक वर्ड, एक शब्द में इनके आंसर देने, या फिर एक सेंटेंस में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द जेकल फैमिली लिव। तो जेकल फैमिली कहाँ रहती थी, तो देखो बच्चों यहाँ पे है, ए जेकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए, जैसा ऊपर लिखा है हम वैसे ही लिख देंगे, ए जेकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। फिर सेकंड है, व्हाट केम नियर देयर डेन, उनके गुफा के पास कौन आया था, व्हाट केम नियर देयर डेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लायन, ठीक है, लायन ही लिख देंगे सीधा सा, लायन। फिर है, व्हाट डिड द फादर जेकल से, फादर जेकल क्या बोले थे हमने पढ़ा था ना ऊपर, तो ही सेड इन ए लाउड वॉइस, व्हाई आर अवर चिल्ड्रन क्राइंग। तो हम यही जो लिखा है हम वही लिखेंगे, फादर जेकल सेड, है ना, क्या लिखेंगे, देखो, फादर जेकल सेड, सेड क्या बोले थे, व्हाई आर अवर चिल्ड्रन क्राइंग, व्हाई आर अवर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर ई एन है ना बच्चों, ये आर लिखा है,
क्राइम, आप ऊपर देख के भी लिख सकते हो क्राइम, ठीक है, वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइम। फिर चौथा है वार डिड द मदर जेकल रिप्लाई, मदर जेकल ने क्या रिप्लाई करा था, है ना, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, ओ डियर, यहाँ पर आप लिखोगे मदर जेकल रिप्लाइड, क्या लिखोगे, मदर जेकल रिप्लाइड, क्या रिप्लाई करा था, ओ डियर अवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अलोन, तो वही लिख देंगे हम, ओ डियर अवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अ लॉयन, है ना, हमारे बच्चे एक लॉयन को खाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द लॉयन डू, लॉयन ने क्या करा, ही गॉट स्कैर्ड एंड रेन अवे, है ना, क्या करा था, ही स्कैर्ड एंड रेन अवे, तो हम यहां लिख देंगे द लॉयन स्कैर्ड स्कैर्ड एंड रेन अवे, ठीक है बच्चों। अब एक्टिविटी एट देखो, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप इन द सेंटेंसेस करेक्टली, हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कैपिटल लेटर का और फुल स्टॉप का यूज करना है। तो बच्चों हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके स्टार्ट का जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है ना, तो कोई सा भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो ये आसान सा है। तो देखो पहला जो सेंटेंस दे रखा है, ए जेकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो हम यहाँ पे जो शुरू कहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए कैपिटल में, है ना। फिर जे ए सी के जेकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, एफ ओ आर ई एस टी, है ना, फॉरेस्ट, और यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, मतलब सेकंड जो सेंटेंस है वो है वन डे अ लॉयन केम नियर देयर डैम, तो इसको करेक्ट करने के लिए जो जहाँ से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है वो जो वर्ड है उसका पहला लेटर कैसा आएगा, कैपिटल, तो हम यहाँ पे ओ को कैपिटल बना देंगे, है ना। वन डे अ लॉयन केम नियर देयर डैम और फुल स्टॉप हो जाएगा, है ना बच्चों, फुल स्टॉप लगा देंगे फिर हम लास्ट में। उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है तो इसमें बहुत आसानी से करेंगे, देखो फादर है तो चूंकि सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है तो एफ कैसा आना चाहिए था यहाँ पे, कैपिटल, एफ ए टी एच ई आर फादर जेकल स्पोक लाउडली और फुल स्टॉप। उसी प्रकार फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें भी हम क्या करेंगे, जो जहां से शुरू हो रहा है सेंटेंस उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा, मदर जेकल रिप्लाइड और फुल स्टॉप हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार फिफ्थ जो सेंटेंस है द लॉयन रेन अवे, तो द का टी कैसा आएगा, कैपिटल आएगा, द लॉयन रेन अवे और फुल स्टॉप, ये हो गए सेंटेंस करेक्ट। अब जो एक्टिविटी नाइन है देखो, डू यू नो एनी स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, क्या आप एनिमल के बारे में कोई स्टोरी जानते हो, वर्क इन पेयर, वर्क इन पेयर, पेयर्स मतलब जोड़े में काम करो, मतलब अपने साथियों के साथ वर्क करो, आपको कोई स्टोरी आती है एनिमल्स से संबंधित, नरेट द स्टोरी टू द रेस्ट ऑफ योर क्लास, और आपकी जो बाकी क्लास है आपकी क्लास को वो कहा, वो जो स्टोरी आप वो नरेट करो मतलब सुनाओ, ठीक है, ये आपको करने का है। तो ये आप हमारा पेज 46 हो चुका है।